हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैरेक्टर डायोड। ये आपका इलेक्ट्रिकल 201 का टॉपिक है। देखिए वैरेक्टर डायोड होता क्या है। वैरेक्टर डायोड को हम वैरीकैप डायोड भी बोलते हैं, ट्यूनिंग डायोड भी बोलते हैं। ये आपका क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है जो आपका एक वेरिएबल कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, जब हम इसमें रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं इसके टर्मिनल्स के थ्रू। इसका ये आपका सिंबल है, ये हमने इसका सिंबल बना के दे रखा है। इसमें आपका एक पीएन जंक्शन बना हुआ है जिसमें आपके दो टर्मिनल्स हैं, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड। और यहाँ पे आपके दो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी जो आपका कैपेसिटर के सिंबल को स्पेसिफाई कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं कैपेसिटर को। तो ये आपका वैरेक्टर डायोड का सिंबल है। अब देखिए वैरेक्टर डायोड के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यानी वैरेक्टर डायोड आपका कहाँ कहाँ काम आता है। फर्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स यानी VCOs में। तो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स मेनली RF डिज़ाइंस में काम आते हैं। ये FM मॉड्यूलेटर्स या फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर्स में भी काम आते हैं। यह वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर्स में मेन कंपोनेंट है। सेकेंड है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी फिल्टर्स या RF फिल्टर्स। तो वैरेक्टर डायोड्स को यूज़ करके फ़िल्टर्स को ट्यून कर सकते हैं। रिसीवर फ्रंट एंड सर्किट्स में फ़िल्टर्स को ट्रैक करना ज़रूरी होता है, जिससे फ़िल्टर्स को इनेबल करके आने वाले सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक कर सकते हैं। तो सेकंड इसकी एप्लीकेशन हो गई RF फिल्टर्स। हमने मेन मेन एप्लीकेशन ही लिए हैं इसमें। थर्ड है फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन। ये थर्ड आपका फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेटर में भी आपका काम आते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स में वैरेक्टर डायोड को रेजोनेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके अक्रॉस लगाते हैं और डायोड पर ऑडियो अप्लाई की जाती है, जिससे सिग्नल फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन होती है। कैपेसिटेंस वेरिएंस के साथ में आपकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी अप डाउन होती है और इसलिए ऑडियो के साथ में ये इनलाइन हो जाता है। ये आपकी एप्लीकेशंस हैं वैरेक्टर डायोड की। अब आपका है ऑपरेशन वैरेक्टर डायोड का। ये देखिए आपका वैरेक्टर डायोड जो है आपका हमेशा क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका रिवर्स बायस में आपका ऑपरेट होता है, क्योंकि रिवर्स बायस में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका फ्लो नहीं होता। अगर हम इस पर फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके थ्रू आपका करंट फ्लो होगा, जिससे कि आपकी जो डिप्लीशन रीजन है वो आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जब हम इस पर रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं एन रीजन से और जो आपके होल्स हैं पी रीजन में, वो आपके जंक्शन से दूर होंगे। जो आपका पीएन जंक्शन है ये है, तो जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए हमने रिवर्स बायस अप्लाई कर रखी है, नेगेटिव दे रखा है पी को पॉजिटिव को और यहाँ पॉजिटिव दे रखा है नेगेटिव को। तो अब हमने इसमें रिवर्स बायस अप्लाई कर रखी है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके एन रीजन में और जो आपके होल्स हैं आपके पी रीजन्स में, ये एक दूसरे से जंक्शन से दूर जाएंगे, जिससे कि आपकी डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है, ये आपके डिप्लीशन रीजन है, ये इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी, चौड़ाई आपकी बढ़ जाएगी डिप्लीशन रीजन की और कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो रिवर्स वोल्टेज है अगर वो आपका लो रहेगा तो आपका कैपेसिटेंस जो है हाई रहता है। ये देखिए आपका लो रिवर्स बायस वोल्टेज पे लार्ज कैपेसिटेंस आपको मिलता है। जो कैपेसिटेंस होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आपके डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज़्यादा है तो कैपेसिटेंस कम होगा और डिप्लीशन रीजन की जो आपकी चौड़ाई है वो कम है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। और जो आपका कैपेसिटेंस है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया ऑफ पी और एन रीजन के। तो जो आपका कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है जब भी आपके डिप्लीशन रीजन जो कैपेसिटेंस है डिक्रीज हो जाएगा जब भी आपका डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होता है। फिर देखिए जब हम इस पर रिवर्स बायस हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे अगर हमने इसकी रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा दी है तो जो डिप्लीशन रीजन है वो आपका इंक्रीज हो गया और जो कैपेसिटेंस है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं, जैसे अगर हमने इसमें रिवर्स बायस वोल्टेज को रिड्यूस कर दी, तो जो विड्थ है आपकी डिप्लीशन रीजन की वो भी डिक्रीज हो गई, जिससे आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है।
तो दोबारा से बता देती हूँ कि जब भी आप इंक्रीज करते हो रिवर्स बायस वोल्टेज में, तो जो आपकी विड्थ है डिप्लेशन रीजन की वो डिक्रीज हो जाएगी और कैपेसिटेंस आपका वैरेक्टर डायोड का बढ़ जाएगा। तो डिक्रीज होने का मतलब है कैपेसिटेंस में कि डिक्रीज इन स्टोरेज चार्ज, जो आप चार्ज स्टोर कर रहे हो वो भी आपका कम हो जाएगा अगर आपकी कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होती है। तो रिवर्स बायस वोल्टेज है उसको आपको मिनिमम पे रखना पड़ेगा जिससे कि आप लार्ज स्टोरेज चार्ज अचीव कर पाओ। तो आपका वोल्टेज को आप वेरी करके कैपेसिटेंस को बढ़ाया कम कर सकते हो। ये है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स वैरेक्टर डायोड की। इसमें हमने रिवर्स वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लिया है, कैपेसिटेंस को वाई एक्सिस पे लिया है, और ये देखिए आपका ग्राफ बता रहा है कि जैसे आप कैपेसिटेंस आपकी डिक्रीज होती है जब आपका रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सर्किट वैरेक्टर डायोड के। कोई भी सर्किट डिज़ाइन करने के लिए हमने किसी भी सर्किट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को ब्रेक डाउन करना पड़ता है और फिर उसको उसके इक्विवेलेंट जो भी सर्किट है उसको विजुअलाइज करना पड़ता है, किससे? रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स से। तो ये जो आपका डायग्राम है सर्किट है, ये आपका है वैरेक्टर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसमें देखिए आर आर आपकी रिवर्स बायस रेजिस्टेंस है, आर जी आपका ज्योमेट्रिक रेजिस्टेंस है वैरेक्टर डायोड का, सी जे आपका जंक्शन कैपेसिटेंस लिया है हमने, ये आपका सी जे, और जो आपका रिवर्स बायस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। एल एफ आपका इफेक्टिव इंडक्टेंस है और आपका डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी लिमिट्स पे जिस पे आपके वैरेक्टर डायोड को ऑपरेट करना है। ये हो गया आपका वैरेक्टर डायोड टॉपिक। थैंक यू।